my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh*t right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. इसमें मैं बिहार का डीजीपी प्ले कर रहा हूँ, विजय तिवारी, जो बहुत सख्त है, अपने मातहतों की क्लास लेता रहता है अगर उसे रिजल्ट ना मिले. और जब ये रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं तो फिर मैं सुपर गोनू को बुलाता हूँ और फिर वो हर केस को जो है सॉल्व कर देता है. तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. सुपर गोनू एक बहुत ही रंगीला कैरेक्टर है और हर केस को वो बहुत ही चाबुक दस्ती से, महारत से वो सॉल्व कर लेता है. तो इंटरेस्टिंग है और बच्चों को मैं समझता हूँ कि बहुत मज़ा आएगा इसमें, कि इसमें एक समस्या है जो कोई हल नहीं कर पाता, लेकिन सुपर गोनू अपनी महारत से, अपनी चालाकी से उस को हल कर देता है, उसको सॉल्व कर देता है. तो ये एक एंटरटेन के साथ एक मैसेज वेब सीरीज कहा जाएगा होगा, अगर आप जिसे प्ले कर रहे से आप बाहर तो क्या. हाँ, देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल. देखिए, मनोरंजन भी है और जो क्रिमिनल्स हैं, जो दोषी हैं, सुपर गोनू उनको पकड़ के कानून के हवाले करता है और फिर कानून उनको दंड देता है. तो कहने का मतलब ये है कि एंटरटेनमेंट भी है, मनोरंजन भी है, और उसके साथ साथ ये भी है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है. अंग्रेजी में कहते हैं द क्राइम नेवर पेज. जब आप कोई जुर्म करते हैं तो उसका कोई पॉजिटिव हल नहीं निकलता, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है.
ये इसमें दर्शाया गया। तो रजा जी ने अभी तक जितनी भी फिल्में या जो भी किया है, लोगों में चर्चा का विषय रहा, हमेशा ही जनता ने बहुत प्यार दिया है, तो इस कैरेक्टर को आप कैसे इंजॉय कर पा रहे हो, क्या लग रहा है पब्लिक भी इस कैरेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा जो प्यार जी 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 देखिए आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट कॉप, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं। एंड जब मैं सुपर गोनू को बुलाता हूँ, क्योंकि उनकी काबिलियत का मुझे अंदाज़ा है, एंड आई एम श्योर के जो भी केस मैं दूंगा वो उसको सॉल्व कर देंगे, तो उनसे मैं बहुत ही इज्जत से पेश आता हूँ। और वो इज्जत जो है वो दिखावा नहीं है, वो इज्जत जो है वो दिल से है, क्योंकि पुलिस की रेपुटेशन भी जो है वो स्टेक पर रहती है कि जब ऐसे हादसे होते हैं, चोरियों के हादसे होते हैं, और जब चोर कानून की गिरफ्त में नहीं आते हैं, तो पुलिस की रेपुटेशन भी जो है वो स्टेक पर होती है। तो ये ऐसा किरदार है मेरा, और बारोब है, बारोब किरदार मुझे मिलते हैं, और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उन किरदारों को अदा करने में, मुझे बहुत मज़ा आता है। देखिए मैं ये कहूंगा कि इस मुल्क में कानून है। अगर आपको लगता है कि रणवीर सिंह ने जुर्म किया है, तो जाइए अदालत का दरवाजा खटखटाइए। अगर अदालत मुनासिब समझेगी तो जो भी फैसला होगा अदालत का, वो हम सर झुका के तस्लीम करेंगे। शोर मचाने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग जो है खामा खा अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू ग्रैब द आई बॉल्स। तो जाइए कोर्ट में, जाइए, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, जो कोर्ट का फैसला होगा उसे सब मानेंगे। लेकिन शिल्पा शेट्टी का जो केस था, वो बेचारी लड़की स्टेज पे थी, और वो बंदा आया, बड़ा टफ बंदा था, बहुत ही रेप्यूटेड बंदा था, उसने उसे पकड़ लिया, जकड़ लिया, उसे छोड़ा नहीं। अब वो बेचारी नाजुक सी लड़की क्या कर सकती है, ना चिल्ला सकती है, ना उसे फिजिकली लड़ सकती है, तो वो कहाँ से मुल्जिमा हो गई, वो कहाँ से उस पर आप जुर्म आयद कर रहे हैं। वो तो बेचारी फंसी हुई थी, वो बेचारी फड़फड़ा रही थी, उस पर आपने केस कर दिया, ये क्या बात है। तो मतलब कोई मौका चाहिए। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो आप रणवीर सिंह के सपोर्ट में हैं? नहीं, मैं देखिए मैं ये कहता हूँ, नहीं मैंने तो 3 फिल्में की हैं, रामलीला की है, बाजीराव मस्तानी की है, और पद्मावत की है। कानून को अपना काम करने दीजिए, जो कानून कहेगा, जो कानून करेगा वो सही होगा बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों की आदत बन गई है, वो बस घात लगाए बैठे होते हैं कि किसी से कोई गलती हो, क्योंकि वो रणवीर सिंह है। कोई ऐरा गैरा नथु खैरा होता तो उसका कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार सेलिब्रिटी होने की आपको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, ये वही है। साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको ऑडियंस की नस मालूम होनी चाहिए। सिर्फ पैसा खर्च करने से, ग्रैंजर दिखाने से, घोड़े दिखाने से, तलवारबाजी करने से, बम फोड़ने से कुछ नहीं होता है। वो बम जो है ऑडियंस के दिमाग में फूटना चाहिए, ऑडियंस के दिमाग की बत्ती जलना चाहिए, वो फिल्में चलती हैं। और साउथ वाले जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो बिल्कुल तह तक पहुंचते हैं कहानी कंसीव करने में, उन्हें बहुत वक्त लगता है, और वो किसी के भाई या भतीजे को नहीं लेते, वो जो सूट करता है, सूटेबल होता है, वो उसे लेते हैं और दिल से बनाते हैं फिल्म, दिल से बनाते हैं।
खर्चा भी पानी की तरह करते हैं और फिर वो पानी की तरह पैसा उनके पास वापस भी आता है। तो ये तो दिल की बात है। आप राज कपूर की फिल्में देख लीजिए, आप संजय लीला बंसाली की फिल्में देख लीजिए, दिल से बनाते थे और लोग उन फिल्मों को दिल से चाहते थे। मैं इतने तो मतलब आज के समय पे बॉलीवुड के जो लोग हैं, जितने भी लोग, वो ऑडियंस की नस को नहीं पकड़ पा रहे हैं। साउथ कहीं ना कहीं कुछ चूक, कहीं ना कहीं कोई कसर हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ फिल्मों में बहुत ज्यादा मिस कास्टिंग हो गई है, मिस कास्टिंग हुई है। क्या कोई आप एडवाइस देना चाहेंगे बॉलीवुड के तारे? अरे भाई, समझाया तो ना समझ को जाता है, वो तो बहुत समझदार लोग हैं, वो जानते हैं। ठीक है, कई बार चूक हो जाती है, बस यही है कि आज तक किसी के पास हिट फिल्म बनाने का फॉर्मूला नहीं आया है, और जिस दिन आएगा वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाएगा। बस यही है कि जो आपने गलतियां की हैं, उन गलतियों को आप दोबारा ना दोहराएं, मिस कास्टिंग ना करें। जो रोमांटिक हीरो है उसे रोमांटिक रहने दें, जो एक्शन हीरो है उससे वही काम लें। तो मैं यही कहूंगा, जिसका काम उसी को साजे। नमस्कार जी सर, बताइए शूटिंग चल रही है, कितना पार्ट शूट हुआ है, क्या क्या तैयारी किया है आपने, सिर्फ बताइए। ये एक मेगा सीरियल है, सोनी जैसे चैनल के लिए बन रही है जी। और हमारी तैयारी पूरी है स्क्रिप्ट के हिसाब से, विजन हमारा क्लियर है, इसको हम 800-900 एपिसोड तक ले जाएंगे, डेली शो को वगैरह है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि जो हमारे सोनू झा कैरेक्टर थे 500 साल पहले, उसको आज के परिवेश में मैंने ढाला है। अगर सामान्य व्यक्ति को आज की डेट में गोनू झा जैसा कैरेक्टर मिलता है तो उसको आसान लाइफ जीने के लिए हो जाती है। तो ये सब है, तैयारी हमारी पूरी है, आर्टिस्ट भी हमारे जो भी काम करें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। गोनू झा का रोल सचिन कुमार साहू कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निखर के आ रहा है। और इसमें चैनल के और लोग जो अभी सीरियल में काम कर रहे हैं उन लोग भी हैं, रजा मुराद जी हैं, एक हीरोइन है जो जी टी वी पे और कई शो कलर पे कर चुकी है, सुनिधि चौहान, वो कर रही है हमारी हीरोइन का काम। और उसके बाद जितने भी एपिसोड्स बनेंगे वो दो दो एपिसोड की स्टोरी होती है, तो उसमें नए नए कैरेक्टर जुड़ते जाएंगे और सभी नए लोगों को भी काम मिलेगा। और जो पुराने हैं हमारे मेन पिलर्स एक्टर्स में जो अभी इंडस्ट्री में हैं उन लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। सर कौन से चैनल पर प्रसारित किया जाएगा, तो जिसकी प्लानिंग का चल रही है? प्लानिंग हमारी चल रही है सोनी पर जाने की, और बातचीत हो रही है, चैनलाइज होने वाला है उसी से सोनी के लिए। ये एक मॉडर्न युग चल रहा है, और हमारे नॉर्थ साइड में जैसे कि बिहार, यूपी, असम, इस सब में गोनू झा, बंगाल गोनू झा बहुत ही पॉपुलर है, घर घर में पॉपुलर है। तो अगर मैं उसमें क्या घर घर में पॉपुलर है और घर घर में लोग उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, तो और चुटिली कहानियाँ छोटे छोटे टेक्स्ट बुक में हर स्टॉल पर मिलती है, तो कहानियाँ तो सबको पता है, लेकिन वो पुराने गोनू झा के बारे में जो पिक हैं वो उसके बारे में मालूम है। तो अगर उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर ये कैरेक्टर आज की डेट में कहीं आ जाए तो लोगों का रहन सहन जो है ना वो समझ में आता है कि वो अभी समस्याएँ कितनी हैं समाज में, वो समस्याओं पर चोट करते थे पहले, तो वो समस्याएं आज की डेट में सुलझ सकती है। तो वो ये फिक्शनल स्टोरी है मेरी, उससे इंस्पायर है, लेकिन कहानी हमारी नई नहीं रहेगी, पुराने जो किताबों में लिखी हैं वो कहानियां बिल्कुल नहीं रहेगी, वो पुराने ज़माने की कहानी थी। आज की डेट में बहुत सारा केसेस हैं, जैसे जलगांव था, सक्सेस स्कैंडल था, जैसे अभी चल रहा है एक लेटेस्ट में विदेशी लड़कियां आपको फेसबुक पे फ्रेंडशिप करती है, फिर वो आपको हनी ट्रिप में फंसाती है, बोलती है मैं एयरपोर्ट पर आ चुकी हूँ, फंस चुकी हूँ, और मुझे जो है पैसे हमको चाहिए जो कस्टम वाले मांग रहे हैं, तो लड़का नया लड़का जा करके फंस जाता है उसमें, 50,000-25,000 डिमांड करते हैं, वो दे दिया उसने। अब उसमें क्या होता है, क्या कि
वो तो फंस गया बेचारा, घर पे बोल नहीं सकता है, हनी ट्रैप में फंस चुका है, पैसे निकल गए, बाद में पता चलता है कि हम तो फंस गए। तो उस तरह का केसेज इनके आसपास में जब आता है तो इस पर वो काम करते हैं और लोगों का भंडाफोड़ करते हैं। इस तरह से कई हैं, म्यूजियम में चोरी होती है उसको पुलिस भी नहीं कर पाता है, वो एक है, इस तरह करके बहुत सारे हैं जो हर हफ्ते दो हफ्ते में एक एक कांड पर हम उद्भेदन करेंगे। नहीं, इसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मैं शुरू में ही मैंने बता दिया है कि यह एक फिक्शनल स्टोरी होगी। गोनू झा सिर्फ इंस्पायर हमें कर रहे हैं उसी तरह का, इसमें कोई प्रेशर नहीं होगा। और इस तरह की कहानियाँ अगर बनती हैं तो समाज से विरोध का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि गोनू झा हमारे ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे। हाँ, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो जितनी कहानियाँ हैं उसकी प्रामाणिकता भी मेरे पास नहीं है, तो हम वहाँ से बच रहे हैं। कहानियाँ किताबों में छपी हैं, टेक्स्ट बुक में आती हैं, लेकिन उसकी प्रामाणिकता नहीं है। ये एक किंवदंतियाँ हैं, किंवदंतियाँ में हम हमारे स्क्रिप्ट के हिसाब से हम खेल सकते हैं, लोगों को गोनू झा के कैरेक्टर पर दाग नहीं आने देंगे, चूँकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर थे तो वो हमेशा हर एपिसोड में हीरो ही बन के नज़र आए, जो वहाँ के लोग पसंद करते हैं। गोनू झा हमारा हीरो है। हमारे सीरियल में अब तक 5 एपिसोड बनने जा रही है या बन चुकी है, जिसमें 2 एपिसोड का काम होना है। इसमें रजा मुराद जी मेनली हिंदी फिल्मों से आए हुए हैं, फिर रिंकू भारती जी हैं, इंस्पेक्टर बराबर बनती रहती हैं और भी कैरेक्टर करती हैं, तो उनको वो भी पसंद आया। नई लड़कियों में रोशनी सिंह है, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है, और आप देखते होंगे बहुत सारे सीरियल विक्रम बैताल और बहुत सारे सीरियल में काम किया है। आर के गोस्वामी जो नाटक करता है वो भी मार्वलस एक्टर है, तो उससे भी मैंने काम करवाया है। और एक हनुमान गुप्ता जो सोनी पर पहले सीरियल शुरुआत में ऑफिस ऑफिस और भी बहुत सारे चैनल चलते सीरियल चलते थे, तो उसमें एक कैरेक्टर हुआ करता था हनुमान गुप्ता, ऑफिस ऑफिस में भी आता था, तो वो कैरेक्टर बहुत सीनियर कैरेक्टर है, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली बहुत अच्छा काम करता है, सीन को समझ आता है, वो भी मेरे साथ में, हनुमान गुप्ता उनका नाम है। और मेन कैरेक्टर जो हमारे सुपर गोलू के हैं, जो किरदार निभा रहे हैं, सुशील कुमार साहब। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। मुझसे पूछ रहे हैं जी 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 जी। अरे बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। और ये जो टॉपिक है, जो स्टोरी है सीरियल की, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी है, बिकॉज इसमें इंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है अच्छा मैसेज है। हर स्टोरी में एक अलग अलग मैसेज रहेगा कि जो समाज में ये गतिविधियाँ फैल रही है उसमें एक सुपर हीरो यानी सुपर गोनू कैसे सॉल्व करता है और किस तरह का वो, मतलब मनोरंजन के साथ, पारिवारिक मनोरंजन और एकदम मैसेज बहुत अच्छे अच्छे हर एपिसोड में मिलेंगे। राइटर डायरेक्टर ने इतना बढ़िया, मतलब राइटर ने लिखा है, लोग दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। इस समय ऐसी सीरियल कोई नहीं चल। आपका क्या किरदार होगा, कुछ अपने किरदार के? जी जी, जैसे मैंने बताया कि वैसे हर स्टोरी, तो एक स्टोरी ऐसी है कि मिठाई, जो मिठाई में मिलावट होती है ख़ासतौर पे त्योहारों में, दिवाली होली वगैरह वगैरह में, जो हम आप जानते हैं, तो वो मैं एक मिठाई का दुकान वाला हूँ, जबकि मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ कि मैं मिलावट नहीं करता, बट हम जिससे माल लेते हैं वो कुछ लोग जो है इस तरह के मिलावट के काम करते हैं, और चूँकि दुकान का जो ग्राहक है वो दुकानदार का भरोसे से मिठाई ले जाते हैं, और ऐसे कुछ जहरीला जो है फैल जाता है जो दुकानदार को पकड़ा जाता है, और दुकानदार चूँकि ईमानदार है वो सच बोलता है, और सुपर गोनू के मदद से ये जो है ये छूट जाता है, मतलब बाइज़त बरी हो जाता है, और उनकी जो हीरोगिरी के हिसाब से वो सारा केस वो सॉल्व कर देते हैं बड़े अच्छे ढंग से, बहुत मज़ेदार है। आपके शब्दों में गोनू राजा के बारे में क्या? जी, जैसे मैंने सुना और बहुत अच्छा लगा कि सुपर गोनू और गोनू राजा, जैसे हमारे यहाँ मतलब अकबर और बीरबल हुआ करते, तो बीर
बीरबल साहब का जो दिमाग था, जो जो टैलेंट था, उनकी जो सारी वो चीज़ें, मतलब उनसे और कहीं ज़्यादा, मतलब गोनू साहब में है, इसलिए ये उन्हीं के ऊपर आधारित ये सीरियल है सुपर गोनू। जैसे वो बच्चों के एक सीरियल आते थे मुकेश खन्ना साहब की जो सीरियल आती थी, उससे बेहतर ये नज़र होगा, मतलब बहुत प्यारा लगेगा, दर्शक बहुत खुश हो जाएंगे, इसमें मनोरंजन के साथ साथ जो है अच्छा मैसेज मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, आपके बाजू में जो बैठे हैं उनको पहले आप बताइए कौन है और क्या किरदार निभा रहे हैं और क्या कुछ खास होने वाला है। नमस्कार। ये मेरे साथ में बैठे हैं, ये तो पहला इंट्रोडक्शन है कि ये स्टेज आर्टिस्ट और जो गिटारिस्ट और म्यूजिक से इनका बहुत अच्छा संबंध रहा है, और स्टेज आर्टिस्ट होने के नाते इनके दिमाग में था कि कुछ ऐसा स्टोरी हम लाएं कि मार्केट में एक मैसेज भी मिले लोगों को और पारिवारिक हो। तो ऐसे तो बनाने वाले बहुत कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट मुझे पता चला कि ये इस तरह का बनाना चाहते हैं, तो मैंने एक दिन इनको नरेट किया अपनी सुपर गोनू के बारे में। बिल्कुल। तो सुपर गोनू के बारे में सुनने के बाद इनको लगा कि ये चीज़ बनानी चाहिए, तो ये तैयार हो गए और हमारी प्लानिंग हो गई। और चूंकि ये आर्टिस्ट हैं इसलिए मेन सुपर गोनू का किरदार ये खुद निभा रहे हैं, जिनका नाम है सचिन कुमार साहू जी, और ये अपने बारे में बताया गया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक किसी ने नहीं पूछा है। किरदार जो है वो अपने आप में एक हस्ती बोलना चाहिए, जैसे अकबर बीरबल होते थे, तेलानी रामा होता था, और शक्तिमान जैसे काफ़ी फेमस हुआ था, ऐसे मिथिलांचल में गोनू झा फेमस है, और उनके जो तीज त्यौहार हैं तो उनकी जो बताए गए जो गाइडेंस है या जो भी उसको कहना चाहिए, हिंदी में सुक्तियाँ क्या बोलती हैं, जो उन्होंने लिख के गए हैं या जिन्होंने उन्होंने जो रास्ता बताया है, तो उन्होंने काफ़ी सारे फॉलोअर हैं उन लोगों के, मतलब मिथिलांचल तो पूरा फॉलोअर है शुरू से, तो वो एग्जैक्टली मिथिलांचल के लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, ये स्टोरी जो है जो व्यापी होने वाली है। हाँ, व्यापक है, व्यापक है। फिर हमारे सर ओम जी जो राइटर हैं डायरेक्टर भी हैं, तो इन्होंने गोनू झा को 500 साल पहले की से नए परिवेश में परिवर्तित किया है, कि यदि गोनू झा यदि वहाँ उस जमाने का गोनू झा यदि अभी इंडिया के अंदर आ जाए या वर्ल्ड के अंदर आ जाए, तो जितनी सारी प्रॉब्लम है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे फैमिलियर हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे कालाबाजारी हो, तो गोनू झा चुटकियों में वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। उनका मेन कहना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर थे, हर चीज़ को वो चुटकियों में बिल्कुल सॉल्व करते थे।